और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद सिंह को आज वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी मामले में आरोपी उनकी पत्नी और जेडीयू की पूर्व विधायक उषा सिन्हा को भी गिरफ्तार किया गया है और मुजफ्फरपुर से मुख्य आरोपी बच्चा के 3 साथियों को भी हिरासत में लिया गया है। इसमें बच्चा राय के वीआर कॉलेज का डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल है। बच्चा राय पहले ही पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है, तो वहीं कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। और अब बात जेडीयू नेता राजीव रंजन को लेकर, जिन्होंने लालकेश्वर सिंह की गिरफ्तारी के बाद कहा है कि बिहार में कानून का शासन है, कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कानून का शासन है और ये नीतीश कुमार जी के शासन की यूएसपी है और इसके कारण जनता ने निरंतर जनादेश नीतीश कुमार जी को दिया है, जो भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हो। लेकिन जब भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं और उनके साथ जुड़े लोगों के रिश्तों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जब भी आरोप लगाया है, ये हर बार सरकार ने साबित किया है कि कानून का शासन है और किसी भी स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाता है। जो लोग भी जवाबदेह होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए।